हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा ब्यूटी हब। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हेयर स्टाइल तो दीदी ने दिखा दिया, तो ये क्या दिखा रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि बैक कॉम्बिंग को आप कैसे आराम से रिमूव कर सकते हो, वो भी आपको ज्यादा पेन भी नहीं होगा एंड आपके जो टैंगल्स है वो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। मतलब आपके हेयर से टैंगल हटाना है तो कैसे बैक कॉम्बिंग को हटाते हैं वो मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। वैसे आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक मैं प्रोवाइड की हूँ, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हो। ये वाली हेयर स्टाइल पूरा मैंने बताया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर जो काटा क्लिप वगैरह लगे हैं वो उसे रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप तो हेयर स्टाइल दिखाती हो उसमें बैक कॉम्बिंग भी दिखाती हो लेकिन उसे रिमूव कैसे करें, क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं या हमारे क्लाइंट के ऊपर हम करते हैं तो वो लोग भी पूछते हैं कैसे इसे रिमूव किया जाए। तो इसका भी एक टेक्निक होता है, इस टेक्निक को आप करोगे तो बहुत इजीली आप जो बैक कॉम्बिंग होती है जिसे टीजिंग भी कहते हैं बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है और आपको तकलीफ भी नहीं होती है, मतलब आपको पेन भी नहीं होता है। हम लड़कियां, सभी लड़कियां जानती है कि टैंगल पड़ने से, लट पड़ने से कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है उसे रिमूव करने में, छुड़ाने में। तो चलिए मैं इसमें यही दिखा रही हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकती हैं बैक कॉम्बिंग से बाल कैसे हो रखे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो हेयर्स कैसे हो चुके हैं। तो हमें क्या करना है, एक मोटी कॉम्ब लेनी है और इसे धीरे धीरे करके, आप देख रहे हो मैं कैसे रिमूव कर रही हूँ, तो यहाँ पर हल्के हल्के हाथों से स्टार्ट करना है। नीचे से आपको टैंगल हटाते रहना है, ऊपर की तरफ डायरेक्ट आप जाओगे तो नहीं हो पाएगा। आप देख रहे हो मैं नीचे की तरफ से धीरे धीरे करके टैंगल रिमूव कर रही हूँ और आपको मोटी कॉम्ब ही लेनी है तभी आपकी जो है अच्छे से रिमूव हो पाएगी। तो आप देखो मैं किस तरीके से कर रही हूँ, यही एक टेक्निक होता है, तरीका होता है बैक कॉम्बिंग और टीजिंग को रिमूव करने का। तो यहाँ पर आप देखो कितने अच्छे से ये रिमूव हो गया है, अब कोई पेन वगैरह भी नहीं होता है। तो अब मैं यहाँ के हेयर को करने वाली हूँ, आप देख सकते हो यहाँ बैक कॉम किया हुआ है। तो बस यही तरीका है, लेकिन हाँ एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप बहुत सारा हेयर स्प्रे दे देते हो देन आप नहीं इसे रिमूव कर पाओगे, क्योंकि हेयर स्प्रे जो होता है उससे हेयर जो होते हैं आपस में चिपक जाते हैं तो वो रिमूव नहीं होंगे। तो आप अगर किसी क्लाइंट का कर रहे हो तो आप उनको पहले ही जब स्प्रे दे रहे हो तो वो आपसे पूछेंगी कि ये रिमूव कैसे होगा, तो आप उनको डायरेक्ट बोलो। और आपको भी नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, स्प्रे वगैरह लगने के बाद हेयर जो है वो हार्ड हो जाते हैं, एक दूसरे में चिपक जाते हैं। तो जिनको आप स्प्रे दोगे उनको डायरेक्ट शैम्पू करना पड़ेगा, शैम्पू के बाद कंडीशनर अप्लाई करते ही जितने भी टैंगल्स होते हैं वो रिमूव होने लग जाते हैं, और ना भी रिमूव हो तो वो ढीले पड़ जाते हैं कंडीशनर की वजह से। उसके बाद एकदम इजिली जो हेयर होते हैं वो सही भी हो जाते हैं, जो स्प्रे लगी रहती है शैम्पू करने से वो निकल जाती है। तो ये होता है टेक्निक, आप अपने क्लाइंट को डायरेक्ट बोल दो कि मैम आप दूसरे दिन डायरेक्ट शैम्पू करिए, कंडीशनर करिए, सीरम लगाइए, आपके हेयर जो है वो ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर बैक कॉम्बिंग में यहाँ पर इस हेयर स्टाइल में मैंने ज्यादा स्प्रे यूज नहीं किया, हालांकि स्प्रे यूज किया था लेकिन बहुत ही कम, हल्का सा एकदम यूज किया था, तो इसलिए यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। और जब आप देखोगे रिमूव नहीं हो रहा है तो हल्का सा वाटर स्प्रे दे सकते हो, वाटर स्प्रे देने से भी आप धीरे धीरे टैंगल को रिमूव करोगे। ये टेक्निक मैंने बताया है, आप लोग ट्राई करके देखना, क्योंकि इसके मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई वीडियो है यूट्यूब पर, मुझे पता नहीं, देख लेना आप लोग, बट ये मेरा तरीका है, मैं इस तरीके से रिमूव करती हूँ और यही एक टेक्निक है जिससे कि इजिली रिमूव भी हो जाता है, आपको पेन भी नहीं होता है। तो अब मैं लेफ्ट साइड का कर रही हूँ, आप देख रहे हो यहाँ पर कितना सारा टैंगल पड़ा हुआ था, क्योंकि ऑफकोर्स बैक कॉम्बिंग की हुई थी, अभी भी है, जहाँ पर कॉम फंस रही है वहां भी है। तो ये होता है, इसे ऐसी टेक्निक से ही आप करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाता है रिमूव। अदरवाइज स्प्रे अगर आप दोगे तो मैं बोलूंगी स्प्रे देने के बाद आप टैंगल फ्री करने की कोशिश ना करें, उससे आपके हेयर फॉल तो होंगे ही, टूटेंगे, तो कोशिश मत करिए। यहाँ पर हो चुका है, आप देख सकती हैं अब जो कॉम्ब है बहुत स्मूथ चल रहा है, कहीं फंस भी नहीं रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, कोई बोलेगा ही नहीं कि यहाँ पर बैक कॉम्बिंग की हुई थी, इतना इजिली इतने सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। आप लोग ट्राई करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यही था मेरी वीडियो, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। Thank you.